आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज नेटवर्क। पद्मश्री से सम्मानित जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व निर्देशक डॉक्टर के अग्रवाल का सोमवार रात 11:30 पर निधन हो गया। डॉक्टर के अग्रवाल को कोरोना संक्रमण के बाद एम्स के ICU में भर्ती कराया गया था। के अग्रवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बीते 28 अप्रैल को जानकारी दी थी कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई थी। हालांकि कोरोना संक्रमित होने के बावजूद वह लोगों को एजुकेट करने के काम में लगे रहते थे। इस बारे में आधिकारिक रूप से जानकारी देते हुए कहा गया है कि काफ़ी दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि डॉक्टर के अग्रवाल का 17 मई की रात 11:30 कोरोना से लंबी लड़ाई लड़ते हुए निधन हो गया। जब से वह डॉक्टर बने थे उन्होंने अपना जीवन लोगों और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर समर्पित कर दिया था। अग्रवाल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक बयान में यह जानकारी दी गई है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रवाल को पिछले सप्ताह एम्स में भर्ती कराया गया था और वह वेंटिलेटर पे थे। बयान के अनुसार COVID-19 से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सोमवार रात 11:30 उन्होंने अंतिम सांस ली। बयान में कहा गया है कि वैश्विक महामारी के दौरान भी उन्होंने लोगों को शिक्षित करने का काम किया है और कई वीडियो तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के जरिए करीबन 10 करोड़ लोगों तक पहुँचे और अनेक लोगों की जान बचाई। वह चाहते थे कि उन्हें खुश होकर याद किया जाए, दुखी होकर नहीं।